मेरा नाम ऋषभ है। मैं बूरे हिसार से बिलोंग करता हूँ वैसे तो, लेकिन यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर स्टूडेंट हूँ। बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस प्लस हिस्ट्री। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स के लिए, अपने फूड के लिए, अपनी कंट्री को बचाने के लिए, जो कैपिटलिस्ट का पूरी तरह से कब्जा होता जा रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए। आप यहाँ कब से जुड़े हैं? मैं सोशल मीडिया एटसेट्रा के थ्रू तो शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ। जब ड्राफ्ट आए थे उस टाइम से, जैसे मंडियों के अंदर ट्रेन रोको जब आंदोलन शुरू हुए थे उस टाइम से, लेकिन मैं फील्ड में जनवरी के अंदर आया था। फील्ड में मतलब यहाँ टिकरी पे। यहाँ मैं स्टेज पे जाता हूँ, जो भी ऐसे इवेंट होते हैं, जैसे 15 अगस्त मनाया, हर त्यौहार एक साथ में मनाते हैं। यहीं पे मैं अपनी ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं वो यहीं पे लगाता हूँ, शुरू से यहीं पे हूँ। मतलब कॉलेज की जो क्लासेस? हाँ, कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस लगती हैं। तो आप पढ़ाई यहीं से करते हैं? यहीं से करता हूँ। जो आज कंट्री के हालात हैं इंडिया के, उसको सिर्फ इकलौती होप दिख रही है ये। क्योंकि आप देखिए, जब लोकतंत्र में सब कुछ ख़त्म हो गया, डेमोक्रेसी के अंदर जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, जो विपक्ष कहते हैं हम, और जिसको फोर्थ पिलर कहते हैं मीडिया, सब कुछ ख़त्म हो गया। उस दौर में जो ये किसान उठ के खड़े हुए हैं, इन्होंने एक होप जगाई है कि हाँ, बचाया जा सकता है देश को। एक तो बहुत से लोगों को पता नहीं है कि कहाँ क्या चल रहा है मीडिया के थ्रू। ये सोशल मीडिया आया, इसके थ्रू अवेयरनेस फैली है ज़रूर, लेकिन इसके अंदर भी अब सरकार गवर्नमेंट क्या करने लग रही है, आपको आईटी रूल्स का भी पता होगा, जो नए आईटी रूल्स लेके आ रही है, और जो विपक्ष के या फिर जो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलते हैं उनके ट्विटर अकाउंट बंद कर दिए जाते हैं, वो सब देख रहे हूँ। और जैसे बिहार के अंदर या फिर और हम जाएँ तो वहाँ पर लोग क्यों नहीं उठ खड़े हो पा रहे? क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो प्रोटेस्ट कर सकें। बिल्कुल इकोनॉमिकल तौर पर तोड़ दिया है। जब बंदा इकोनॉमिकल तौर पे तोड़ दिया जाएगा तो वो आवाज़ भी नहीं उठा पाएगा अपनी। जनता समझ रही है शहर की, लेकिन उनके पेट पे बात नहीं आई है ना। उनके मुंह में निवाला है, मुंह से नारा कैसे निकलेगा जब तक आपके मुंह में निवाला है? जब उनके पेट पे लात लगेगी ना, मैं कहता हूँ ये दो लॉज तो चलो सिर्फ फार्मर्स को इफेक्ट करेंगे, उनको उनकी MSP नहीं मिलेगी। जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, स्टोरेज का है, वो तो सीधा सीधा इनको भी इफेक्ट करेगा ना, जो फार्मिंग के प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करते हैं। हर किसी को इफेक्ट करेगा ये, तो कोई भी नहीं जिंदा रह सकता इसके बिना, अनाज के बिना। तो आज ओपोजिशन की आप हालत देख रहे होगे, मीडिया हाउसेस की आप हालत देख रहे होगे, तो कोई भी देश के अंदर मुद्दा होता है तो वो इस प्रोटेस्ट के थ्रू उठाया जाता है, उस आवाज़ को। ये इसलिए ये डेमोक्रेसी, जो गवर्नमेंट का असल ओपोजिशन है ना, आज ये प्रोटेस्ट काम कर रहा है। पूरी दुनिया इस प्रोटेस्ट की तरफ देख रही है, हर चीज़ में पॉलिटिक्स आने लग रही है। अब आपकी मैरिजेज, उसके अंदर भी आप लव जिहाद ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आने लग रहे हैं। आपके खाने पीने पे, क्या आपको खाना है क्या पीना है, आपको किससे बात करनी है किससे नहीं करनी है। त्योहारों पे ये कहते हैं कि इस दुकान से आपको सामान खरीदना है, इसकी दुकान से नहीं खरीदना है। तो ये क्या है, हर मतलब हर चीज़ के अंदर कम्युनल घोल दिया है, कम्युनलिज्म है, जो कम्युनल जो इनकी हेट है वो हर चीज़ के अंदर इन्होंने घोल दी है। तो उस वजह से हर यूथ को खड़ा होना पड़ता है। हम अपनी एजुकेशन के थ्रू जवाब देना चाहे, हमारी एजुकेशन को ख़त्म किया जा रहा है। जो एकेडमिक फ्रीडम की मैं बात करता हूँ, 2014 के अंदर एकेडमिक फ्रीडम के अंदर हम वर्ल्ड एवरेज से ऊपर थे। हमारे मतलब देश में अच्छी फ्रीडम थी भाई, एकेडमिक तौर पर हिस्ट्री या पॉलिटिकल साइंस जो भी पढ़ाने की, लेकिन अब हम बिल्कुल डाउन जा चुके हैं। एकेडमिक फ्रीडम नहीं है। आप अशोका यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं। टीचर्स को मतलब इतनी आज़ादी नहीं है कि वो RSS का इतिहास पढ़ा सके। कैसे कैसे बंदों को आज मतलब एक राष्ट्रीयता का मतलब मॉडल बनाया जा रहा है, जो देशभक्ति का, सावरकर जैसे, गोडसे जैसे, ऐसे लोगों को, वो लोग जिनको 60 रुपये उस टाइम पे बड़े बड़े पदाधिकारियों को अंग्रेजों के टाइम पेंशन नहीं मिलती थी, इतनी पेंशन मिलती थी सावरकर को 60 रुपये की उस टाइम पे, और वो आज इनका आइडियल है। इन लोगों को सिर्फ एक ही तरीका है जैसे समझ में आएगी, अभी इनको समझ नहीं आ रही। जैसे हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस करने लग रही है जिस हिसाब से, उस हिसाब से धीरे धीरे सबके पेट पे लात पड़ेगी। जब पेट के ऊपर लात पड़ेगी तब इनको एहसास होगा धर्म कभी भी आपको रोटी नहीं देता। आप नारे लगा सकते हैं राष्ट्रवाद के, हिंदुत्व के, जब तक आपका पेट भरा है। जब आपका पेट खाली होगा ना, तब आप ये नारे नहीं लगा सकते। आपकी सबसे फर्स्ट नीड है रोटी, टाइमली। आप वेट एंड वॉच।
सबको समझ आ जाएगी, ये मैं चीज़ आपको लिख के देता हूँ, सबको अकल आएगी जब उनके पेट पे लात पड़ेगी। हम जैसे एक बार के लिए तो हम विरोध कर रहे हैं मान लीजिए नेताओं का या पार्टी का, लेकिन जब हमारी इंडिविजुअल नीड आती है ना तो हम ये सारी चीज़ें भूल के उसके आज आगे हाथ जोड़ने लग जाते हैं। ये मैंने खुद ने भी फील किया है कई बार, ये नहीं करना है हमें, कैसी भी सिचुएशन आ जाए हमें उनके सामने झुकना नहीं है। और सोशल मीडिया आज के टाइम पे एक बहुत बड़ी पावर है, इसके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड तक हमारे मैसेज पहुंचा सकते हैं, वो कीजिए आप। सोशल मीडिया के थ्रू आप आवाज़ उठाइए, देश के कोने कोने तक आपकी आवाज़ पहुंचेगी, इसके थ्रू आप मैसेज पहुंचाइए, अवेयर करिए लोगों को। अब आपने देखा होगा सोशल मीडिया के थ्रू ही ये पूरी उसमें पहुंचा है, पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं, जो इंडिया की एम्बेसीज है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, कनाडा में, सब जगह प्रोटेस्ट होने लग रहे हैं। उससे प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा, गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ अपनी इमेज बचाना चाहती है, गवर्नमेंट को पता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है उसके लिए, किसी भी तरह से वो बच के निकलना चाहती है, लेकिन हम भी इसको बच के निकलने नहीं देंगे ऐसे। और डेमोक्रेसी डिक्लाइन सर पूरे वर्ल्ड के अंदर हुआ है, इस दौर के अंदर हमें ये एहसास हुआ है कि मतलब डेमोक्रेसी का रखवाड़ा कोई भी नहीं है, यूएन हो कोई भी हो, क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर आपने देखा, इंडिया के अंदर आप देख रही हैं, कहीं भी यूएन का जो रोल था एक टाइम पे, वो यूएन का रोल आज कहीं नहीं दिखता। तो आपको अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। यहाँ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब ये नारे लगाते हैं, इन बुज़ुर्गों को देखते हैं, ये भी तो रह रहे हैं, हम तो जवान हैं, हम तो कैसे भी हालात में रह सकते हैं, हमारी तो बॉडी को, इनकी बॉडी के लिए आप देखिए कितने बड़े चैलेंजेस होंगे, ऐसी कड़कड़ाती ठंड के अंदर कितने 700 के करीब तो किसान मर भी चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, इनके लिए, इनको देख के तो हम कुछ भी नहीं है जो ये हमारे लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए फाइट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो अपनी ऑलमोस्ट लाइफ जी ली है, 80-90 साल के जो यहाँ बैठे हैं वो सिर्फ हमारे लिए फ़ाइट कर रहे हैं, जो आने वाला फ्यूचर है इंडिया का उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। और चैलेंजेस हैं, लेकिन जब आप इतना लंबा प्रोटेस्ट चलता है आपको आदत पड़ जाती है, और ये जहाँ जो लोग यहाँ पे आए हैं ना वो इन चैलेंजेस से उभर के आए हैं, वो लोग खेत के अंदर काम करते हैं, एक कस्सी लग जाती है ना पैर के अंदर, खून आता है तो वो डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो वहीं पे मिट्टी लगा के उस खून को रोक लेते हैं। तो आप सोचिए ये दिल्ली के बॉर्डर पे आए हैं तो कितना गहरा घाव है इनके अंदर।